मुझे हमारे एक बहुत बढ़िया सब्सक्राइबर मिले हैं, सभी भाई हैं और इनकी नियुक्ति हो चुकी है। तो सर आप बताएं अपना नाम और कोई मैसेज। सर मेरा नाम सौरभ सिंह चंदेल है, मैं फ़िलहाल उच्च माध्यमिक शिक्षक हूँ नंबर 2 स्कूल में। सर मैं यही कहना चाहूँगा कि शुरुआत से ही आपने मोटिवेशन दिया, लेकिन मुझे विशेष ज़रूरत इसलिए थी कि मेरे ऐसे कई भाई थे जो डबल डिग्रियों में फंसे हुए थे और आपने हम लोगों के अनुरोध पर एक वीडियो बनाया था और उस वीडियो ने बहुत सारा मोटिवेशन सब लोगों को दिया था। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आप सर अपना नाम। सर मैं महेश कुमार वर्मा और शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय क्रमांक 1 में उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद पर कार्यरत हूँ। सर आपका जो आप जो वीडियो मुझे बहुत मोटिवेशनल और पॉजिटिव क्यों लिए हुए थे, हम लोगों ने आपके बहुत सारे वीडियो देख कर और हम लोगों को सांत्वना मिलती थी कि एक न एक दिन हमारी कोचिंग जरूर हो जाएगी। तो सर बहुत बढ़िया लगा, ये आत्मा से हम आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं कि सर आप हम सभी का ऐसे ही मोटिवेशन करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप सर नमस्कार, मेरा नाम शिव कुमार शर्मा, उच्च माध्यमिक शिक्षक क्रमांक नंबर 2 शिवपुरी। बेसिकली मैं यानी यूट्यूब पर कम विश्वास करता हूँ, पर जब फर्स्ट टाइम आपका देखा था उसी समय से जो आपका व्यू था, जो वीडियो में समझाने का जो तरीका था और जो तथ्य जो लाते थे आप, ऑथेंटिक लेके आते थे, तथ्य के साथ जो बातें करते थे आप, जो यानी पॉसिबिलिटी थी उसी पर बात करते थे, अन्यथा झूठी चीज़ें पर आपका कोई वो नहीं रहता था। इसलिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ, कभी भी आपने झूठ कभी यानी दिया नहीं, जो कि सत्य के साथ आपने परिचय कराया अपने यानी चैनल के माध्यम से। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। सर एक बात तो बोलना चाहूँगा, जैसे ही फरवरी में आप हमारा रिजल्ट आया था सबका कि सर सिलेक्शन कॉम्पिटिशन में नाम आ गया था, उस समय आपने वीडियो निकाला था कि डबल डिग्री में ये नियम लागू होंगे, लेकिन उसके बावजूद सरकार के समय दूसरे नियम बदल दिए गए। उसके बाद जब हम लोगों की ज्वाइनिंग हुई आपके सहयोग से, मेरे सभी साथियों की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हम लोगों के लिए वीडियो बनाई और हम सभी व्यक्ति सभी डबल डिग्री साथी नियुक्ति पा चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो दोस्तों ये सभी वो महान विभूतियाँ हैं जिन्होंने संघर्ष किया है और जैसे कि हमारे भारत में कहा जाता है कि जो है दूसरों को श्रेय दिया जाता है, श्रेय अतुल कुमार शर्मा का नहीं, इन सभी भाइयों के संघर्ष को है। तो इनका वीडियो डालने का एक ही मकसद है कि आप इन्हें देखें और इन जैसा संघर्ष करोगे अगला नाम लिस्ट में आपका होगा, क्योंकि ये जीता जाता आपके सामने उदाहरण है। तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई और ऐसे ही लाइफ में हमेशा आप उन्नति करते रहें।